हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। कैसे हैं आप सब? खूब, आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में खास ये है कि मैं आज आप लोगों को एक ऐसी दुकान के बारे में बताने वाली हूँ, बेसिकली जो बाराबंकी के लोग हैं उनके लिए वीडियो है, कि जहाँ से आप अपने घर के जो भी हम छोटे मोटे जो शॉपिंग करते हैं ना घर के लिए, वो आप वहाँ से आसानी से ले सकते हैं। तो कुछ यही है कि मान लीजिए कोई सामान हमें कहीं 500 रुपये का मिल रहा है, और अगर वही चीज़ अगर हमें कहीं 400 रुपये में मिल जा रहा है तो अच्छा है, 100 रुपये की हमारी बचत हो जा रही है। तो बस इसी के बेसिस पे मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को, मुझे भी कुछ काम था, यहाँ पे आना था मार्केट में, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लेते हैं। तो आगे आप बाकी मेरे ब्लॉग में देखिए और बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, दिखने में तो ये बहुत ही साधारण सी दुकान है, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। तो ये देखिए, हम लोग अंदर आ चुके हैं। इसका नाम है कैंटीन, आसपास के लोग इसको कैंटीन के नाम से बुलाते हैं, और मैं आपको आगे एड्रेस बता दूंगी कहाँ पे है, कैसे आना है। कचहरी से होते हुए इसका रास्ता है, और इसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको रोज़मर्रा की हमारे घर की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जो हम अपनी रोज़ की लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, और तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। देखिए, टूथपेस्ट है, उसके बाद ये देखिए मेडिमिक्स हो गया, फिर आपके तेल हो गए, आंवला, यास्मीन, जो भी तेल आप लेना चाहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, फिर आपका शैम्पू हो गया, ये देखिए रूम फ्रेशनर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, जैसे नॉर्मल हम वी मार्ट वगैरह में जाके सब चीज़ें रहता है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चाय पत्ती, फिनाइल, एक छोटा सा रूम है, एक स्टोर रूम टाइप का है एक, और सारी चीज़ें इसके अंदर है, तो काफ़ी यूज़फुल है। आप बिल्कुल यहाँ पे आके सारी चीज़ें ले सकते हैं, फिनाइल, जो भी हमारी जो बेसिक नीड्स जो होती है ना, जो बेसिक ज़रूरतें की जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखिए, तरह तरह के आपको शैम्पू मिलेंगे, तरह तरह के आपको सर्फ मिलेंगे, फिनाइल मिलेंगे, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आके ले सकते हैं। डिटॉल हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नवरात्र देखिए स्टार्ट होने वाले, तो उसके लिए मखाने वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये चमन ब्राश है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंकल जो हैं यहाँ के वो बैठते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ट्रॉली बैग भी मिल जाएगा। ये देखिए, फ्रेंड्स यहाँ पे जो यहाँ के जो अंकल हैं, अंकल को मैं अभी आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि यहाँ के चीज़ों का जो रेट है वो बाकी के, मतलब मार्केट के कंपेरेटिवली क्या है, और क्यों यहाँ पे लोग आते हैं, और मैं क्यों आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि आप यहाँ पे आइए। तो चलिए मैं पहले अंकल से आप पूछती हूँ कि क्या चीज़ें, क्या प्राइजेज है, क्या रेट है। राज कर्मचारियों के लिए है सुविधा, और यहाँ मार्केट से 10 से 15-18% तक जो है चीज़ें सस्ती मिलती हैं मार्केट से, जो भी उसका प्राइस होगा उससे मिनिमम 10% से यहाँ जो है सस्ता होगा, और 10% नहीं है कि फिक्स प्राइस, ये 1965 की स्थापना है, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम इसका नाम है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, ये बेसिक राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिए बनाई गई थी। जो है अंकल ने बताया कि आपको यहाँ पे मार्केट की कंपेरेटिवली चीज़ें 10 से 15% लेस करके मिलेगा, तो अगर आप भी यहाँ का लाभ उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल से बिल्कुल आइए। और मैं अभी आपको इसका लोकेशन भी बता देती हूँ कि आप कैसे आएंगे और कहाँ पे है ये, सो दैट कि अगर आप कभी यहाँ आना चाहें तो आप आ सकते हैं। यहाँ देखिए हमारी थोड़ी बहुत ख़रीदारी हो चुकी है, ये आंटी हैं काउंटर पे बैठती हैं, तो इन्हीं से मम्मी अब हिसाब हिसाब जो भी है वो
कर ले रही हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं आपको रास्ता बता देती हूँ कैसे आना है, एंथनी स्कूल से दो रास्ते हैं, एक एंथनी स्कूल से होते हुए, एक कचहरी से होते हुए। ये देखिए आप गेट देख रहे हैं, इधर से कचहरी है, जो कचहरी जानते होंगे उनको पता होगा कचहरी से आप सीधे आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरी तरफ से एक गेट दिखेगा। गेट के अंदर ये देखिए बगल में ये ATM है, ये देखिए, और फिर आगे की तरफ ये आपको कैंटीन मिलेगा। तो गाइज़ ये देखिए ये आपकी कचहरी वाली रोड है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। और ये गेट था और इसके अंदर जैसे ही आप आएंगे तो अभी आपने देखा होगा ATM था, और बस ATM के बगल में ये देखिए ये ATM है SBI का, ये गेट है, और बस यही रास्ता है, इसके अंदर आपको फिर दिख ही जाएगा। और ये देखिए यहीं पे ये एरिया आप सब जानते ही होंगे, जो यहाँ के लोकल लोग होंगे, पोस्ट ऑफिस के जस्ट बगल में है, जस्ट सामने है, ये देखिए जन सुविधा केंद्र है, और यही है, यहीं पे आपको ये कैंटीन दिख जाएगा। फिर उसी के बगल में ये एक पार्क है, यहाँ भी आप चाहें तो आ सकते हैं, घूम सकते हैं शाम के टाइम पे। तो ये देखिए मम्मी से मिली आप लोग, हाय मम्मी, बहुत दिन के बाद मम्मी मेरे व्लॉग में आ रही हैं। कभी कभी वॉकिंग करने शाम को आते हैं तो यहाँ आकर के थोड़ा घूम लेते हैं, अच्छा लगता है हरियाली देखने में। और यहाँ आइए, थोड़ा बैठ जाइए तो मन फ्रेश हो जाता है। ये देखिए चारों तरफ हरियाली है, इतना सुंदर लग रहा है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा आज का, तो जल्दी से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।